हेलो गाइस, वेलकम टू एसएससी हब। एसएससी हब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। देखिए, आपके डिमांड के बाद में आपके कमेंट के बाद मैं आज से रीजनिंग का सेक्शन भी स्टार्ट करने वाला हूँ। एंड हम रीजनिंग का सेशन जो इनपुट एंड इनपुट सेशन है, जैसे एनालॉग हो गया, डाइस हो गया, कैलेंडर क्लॉक, ये सब हो गया, से मैं कंप्लीट करवा दूंगा आपको। अगर मेरा रीजनिंग पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा, नहीं तो अगर कमेंट नहीं आएगा, अगर कमेंट लाइक नहीं चाहिए, अगर लाइक करेंगे करना है तो कीजिए, नहीं तो नहीं, आपकी मर्जी। आपके अगर अच्छा लगा है तो करेंगे, मैं बोल दूंगा तो नहीं आप कर देंगे ऐसा कोई नहीं है, लेकिन मुझे कमेंट सेशन में कमेंट थोड़ा अगर आ जाएगा, नहीं आपका रीजनिंग सेशन अच्छा लग रहा है तो रीजनिंग पढ़ाऊंगा, नहीं तो मैं ऐसे ही मैं आता पढ़ाते जाऊँगा। तो आज का सबसे अच्छा टॉपिक है जो कैलेंडर, उसके बाद हम क्लॉक जाएंगे, उसके बाद डाइस जाएंगे, ऐसे जाके हम चलेंगे। अगर ये हमारा चैप्टर वन है क्लॉक का, रीजनिंग का। देखिए, रीजनिंग का सबसे अच्छा लेक्चर है कैलेंडर, सबको पता है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, ओके, क्वेश्चन कभी कभी छोड़ के भी आ जाते हैं, ओके, जिनके लिए जिनका पकड़ अच्छा है वो कर लेता है, ओके, नहीं तो कभी कभी छोड़ के आ जाते हैं, तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए, बिना लेट करते हुए कैलेंडर के बारे में डिस्कस करते हैं। कैलेंडर रहता होता क्या है? देखिए, कैलेंडर शुरू करने से पहले मैं आपको आपको ये तो आप पता होगा जे आपको मंथ का कोड याद रखना होगा एंड डे का कोड याद रखना होगा। तो मंथ का कोड कैसे याद रखेंगे? देखिए, जैसे आपका जनवरी होता है 0, फरवरी होता है 3, मार्च होता है मार्च का कोड होता है 3। तो इसको पहले आपको कैलेंडर का पहला टॉपिक, पहला आपका जो रूल है वो आपका मंथ का कोड एंड डे का कोड आपको याद रखना होगा। मंथ का कोड एंड डे का कोड, ये दोनों आपको जरूर याद रखना होगा, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। ओके, मंथ का कोड कैसे याद रखेंगे? मैं तो इसे याद रखता हूँ 0 1 सॉरी, मंथ का कोड आप ऐसे रखेंगे, फिर से चला 0, मैं ऐसे रखता हूँ 0 1 2 3 4 5 6। 0 में आपका कौन सा मंथ आता है? जनवरी, अक्टूबर, ओके, इतना हो गया। ओके, तो 1 में 1 किसका किसका मंथ का कोड है? 1 सिर्फ आपका मई का कोड है, आप ऐसे याद रख सकते हैं, 2 बार इसको ऐसे लिख लेंगे आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। अगस्त 2 का कोड है अगस्त। सिमिलरली 3 में आपका 3 आता है मंथ, फरवरी, मार्च एंड नवंबर। ओके, मुझे तो पूरा याद रह गया, इसको मैं 2-3 बार ऐसे प्रैक्टिस किया मुझे याद रहेगा। 4 को आता है आपका जून, याद रखना 4 को आपका जून आता है। 5 को आता है 2, सेप्टेम्बर एंड डिसम्बर। एंड 6 का कोड भी 2 है आपका, जुलाई एंड अप्रैल। ओके, जुलाई एंड अप्रैल। ओके, तो जनवरी अक्टूबर आता है 0 का कोड, मई आपका 1, अगस्त आपका 2 है, 3 में आपका फरवरी आता है, मार्च आता है एंड आपका नवंबर आता है, 4 में आपका जून आता है सिर्फ, 5 में आपका कोड आता है सितंबर एंड दिसंबर का, और 6 में आता है आपका जुलाई एंड अप्रैल का। ओके, इसको लिख लीजिए। उसके बाद डे, डे लिखिए। डे होता है आपका संडे, ये तो पता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ये तो इजी रह जाएगा क्योंकि संडे 0, मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 6, सैटरडे 6। ओके, तो ये तो आपका सिक्वेंशियल है, संडे से 0 स्टार्ट करेंगे, सैटरडे 6 में ख़त्म होगा। ओके, इसको नोट कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट, इसके बाद एक फॉर्मूला याद रखेंगे, सॉरी, फॉर्मूला लिख लीजिए। किसी भी डेट का हम डे का हम डेट का हम डे निकालेंगे। ओके, इसका फॉर्मूला है लास्ट 2 और 3 डिजिट, लास्ट 2 और 3 डिजिट, अभी बताता हूँ ऐसे क्या लिखा, 3 डिजिट, लास्ट 2 और 3 डिजिट, अच्छे से लिखता हूँ, लास्ट 2 और 3 डिजिट प्लस ईयर बाई 4। ओके, आई थिंक समझ में आएगा, ईयर बाई 4। एंड जो ईयर लोगे ना, ये जो ईयर होगा, ये ईयर के क्या होगा आपको पता है? ईयर होगा जो इसका जो मैं आपकी बताऊंगा, सिर्फ यहाँ पे लग लीजिए, ईयर बाई 4 प्लस मंथ का कोड, मंथ का कोड प्लस डेट, ओके, प्लस डेट डिवाइडेड बाई 7, एंड जो आपका रिमाइंडर आएगा वही आपका डे होगा। ओके, फिर से लिख लेता हूँ, ओके, कोई बात नहीं, लास्ट 2 और 3 डिजिट प्लस ईयर बाई 4
प्लस मंथ का कोड, कोड ऑफ द मंथ, मंथ कोड प्लस डे, यहाँ पे डे डिवाइडेड बाय 7, इसको लिख लीजिए नोट पे, इसको मैं इरेज करूँगा। ओके, लास्ट टू और थ्री डिजिट प्लस ईयर बाय 4, एंड ईयर बाय 4 इस पर जो करेंगे जो क्वेश्चन आएगा वही यहाँ पे लिखा होगा। जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो पता होगा, जब कुछ दो तीन एग्जाम्पल ले जाएंगे आपको पता होगा। उसके बाद मंथ, मंथ का कोड जो होगा, उसके बाद डे डिवाइडेड बाई 7। ओके, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने से और कुछ देखिए, लीप ईयर, लीप ईयर किसको बोलते हैं? लीप ईयर बोलते हैं जो ईयर आपका 4 से डिविजिबल हो जाता है। सपोज 1998 एक लीप ईयर है या नहीं? यस, लीप ईयर है। सिमिलरली 1904 लीप ईयर है या नहीं? यस, एक लीप ईयर है। ओके, जो नंबर 4 से डिविजिबल हो जाता है, जो ईयर आपका 4 से डिविजिबल है, एंड 4 से डिविजिबल करने के लिए आपको सिर्फ लास्ट टू डिजिट देखेंगे, आपको सफिशियंट हो जाएगा लास्ट टू डिजिट बस। अगर लास्ट टू डिजिट 4 से डिविजिबल हो गया मीन्स टोटल डिविजिबल हो गया। ओके, लीप ईयर का मीन्स 4 से डिविजिबल होता है। नेक्स्ट, सॉरी, ओके चलो, अभी आपका जब भी 2000, देखिए आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो 1900 से 2099 तक आता है। आज हम 1900 से 2099 के बीच जो क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व करेंगे, कल हम देखेंगे 783 में क्या आता है, 882 के बारे में भी डिस्कस करेंगे, उसका थोड़ा 1% डिफरेंट है बट सेम चीज़ रहेगा। ओके, वो हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, मैं छोटा छोटा वीडियो बनाना चाहता हूँ रीजनिंग में, अगर अच्छा लग रहा है तो बड़ा वीडियो बनाऊंगा, अगर नहीं है कमेंट सेक्शन में नहीं आया तो ठीक है आपकी मर्जी, लेकिन मेरे से रीजनिंग में मुझे पता है जितना मैं रीजनिंग में बहुत स्ट्रांग हूँ। ओके, मेरा ट्रिक अच्छा अच्छा ट्रिक है रीजनिंग में। चलिए, ये तो पता चल गया इतना क्वेश्चन आता है, आज हम इसकी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, जो 2000 आता है, जब भी 2000 एंड 2000 के अबव आ जाएगा, 2000 अबव, एंड अगर आपको 900 होगा, पहले 900 बता देते हो, 900 से 999 तक आपको जो ईयर लेंगे आप लास्ट टू डिजिट लेंगे, सिर्फ आप लास्ट टू डिजिट। ओके, लास्ट टू डिजिट, लास्ट टू डिजिट, ओके, यही लास्ट टू डिजिट। ओके, अगर 2000 एबव आ गया तो आपको क्या करना है, अगर 2000 आया पूछा तो आपको लास्ट टू डिजिट 100 लेना है, याद रखना 2000 आया तो 100 लेना है। उसके बाद अगर 2010 आया तो आपको कितना लेना है, 1110 लेना है। अगर 2011 आया आपको लेना है 111, 2003 आया आपको क्या लेना है, 100103। ओके, मीन्स आपको सिर्फ जीरो के साथ वन ही लेना है और कुछ नहीं। ओके, इतना याद रखेंगे बस, इसको भी नोट करके जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, अभी आपको पता लगना है लीपर कौन सा आपका लीपर है। देखिए, जैसे आपको बताओ लीपर, जब भी ये नोट भी कर दीजिए, लीप ईयर जब भी आएगा एंड आपको मंथ जनवरी एंड फेब्रुअरी पूछा होगा तो वहाँ पे आपका जो रिमाइंडर आएगा उसमें एक माइनस वन कर देंगे, याद रखना। ये नोट कर देना, जब भी क्वेश्चन डिस्कस करूँगा तो बताऊँगा, इसके ऊपर भी क्वेश्चन डिस्कस करूँगा क्योंकि एसएससी इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। लीप ईयर जब भी आएगा एंड आपका मंथ जनवरी फेब्रुअरी दिया होगा, उसमें जो रिमाइंडर, जो फार्मूला निकाले, फार्मूला निकालने के बाद जो रिमाइंडर आएगा उसमें एक माइनस वन माइनस करना है, मीन्स ये आपको माइनस वन करना है। ओके, एंड लीप ईयर क्या, एनी सेंचुरी ईयर, याद रखना, एनी सेंचुरी ईयर व्हिच इज मल्टीपल ऑफ 400, एनी सेंचुरी ईयर, सेंचुरी ईयर मीन्स आपका 500, 200, 300, इसको हम सेंचुरी ईयर बोलते हैं। तो जो सेंचुरी ईयर है अगर वो 400 से डिविजिबल हो जाता है तो वो सेंचुरी ईयर आपका एक लीप ईयर काउंट करेंगे, वो लीप ईयर होगा। जैसे आपको मैं बता देता हूँ, 500 एक सेंचुरी ईयर है बट ये आपका 400 से डिविजिबल नहीं है, 400 से डिविजिबल नहीं है। ओके, तो एक लीप ईयर नहीं है। अगर 800 है, 800 क्या है, 400 से डिविजिबल है, मीन्स एक लीप ईयर है, मीन्स आपका लीप ईयर क्या होगा, 400 का मल्टीपल, 400, 800, 1200, 2000, ऐसे। ओके, 2400 ऐसा आपका लीप ईयर होगा। ओके, ये तो आपका नोट कर दीजिए, इसको इरेज करूँगा। नेक्स्ट, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जितना बताया मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। एक क्वेश्चन लिखिए, 20 जनवरी 1900। ओके, इसमें कौन सा डे है, कौन सा डे था इसमें, इस दिन कौन सा डे था, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं कभी बताया फॉर्मूला बताया, देखिए 1900 दिया है मीन्स हम सिर्फ लास्ट टू डिजिट लेंगे, तो लास्ट टू डिजिट लिए प्लस, अभी जो बोला ईयर बाई फोर है, जो ईयर बाई फोर है हम टोटल 900 को नहीं काउंट करेंगे, सिर्फ हम लास्ट टू डिजिट, यहाँ पे जो टू डिजिट लास्ट लिए उसी के ही से हम 4 से डिवाइड करेंगे, ना कि टोटल 900 से। तो 00 अपन 4। ओके, तो ये तो टोटल 0 आ गया, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, ये तो 0 आ जाएगा।
हमें मुझे क्या लिखना है, तो जीरो, ए भी सब जीरो आएगा ना, तो जीरो आएगा, एक सेकेंड, तो जीरो प्लस ईयर बाई फोर मीन्स जीरो, उसके बाद क्या है मंथ ऑफ द मीन्स मंथ का जो फॉर्मूला क्या था, मंथ का कोड था हमारा, मंथ क्या है जनवरी, तो जनवरी कोड का हमारा क्या था याद रखेंगे जीरो था। उसके बाद डे, डे प्लस डे मीन्स कौन सा डे पूछा है, 20 जनवरी, तो 20 डिवाइडेड बाई 7, तो यहाँ पे कितना रिमाइंडर आएगा, 6 रिमाइंडर आएगा, 7 × 2 = 14, 6 रिमाइंडर आएगा। उसके बाद देखेंगे अगर 6 आया तो हमको पता है 6 आया हमारा कौन सा डे है, हमारा 6 आया तो सैटरडे, ओके। बट यहाँ पे देखेंगे 900, ओके 900 एक लीप ईयर है या नहीं है, ओके 900 एक लीप ईयर है या नहीं है, 900 हम लीप ईयर नहीं है, क्योंकि कैसे पता चला, देखिए एक सेंचुरी ईयर है, जैसे 900 एक सेंचुरी ईयर है, ओके पता है 900 एक सेंचुरी ईयर है, बट ए 400 से डिविजिबल नहीं है, ओके तो एक आपका क्या है लीप ईयर नहीं है। अगर लीप ईयर नहीं है सो हमारा रिमाइंडर कितना आया, 6 आया, तो 6 का कोड हमारा क्या था सैटरडे, तो इस दिन हमारा सैटरडे था। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया, जिसको नहीं आया दोबारा रिपीट करके वीडियो देखेंगे समझ में आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 जनवरी 1904 कौन सा डे था, ओके नेक्स्ट तो हम एडवांस लेवल कल हम डिस्कस करेंगे, अगर कमेंट आया लाइक मिला तो मैं एडवांस लेवल का क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, तो इसमें कौन सा डेट था, सेम चीज लास्ट टू डिजिट लेंगे, 1900 दिया है मीन्स लास्ट टू डिजिट 04 लेंगे, प्लस 4/4 करेंगे, 04/4 करेंगे, 4/4 करेंगे, ओके प्लस हमारा कौन सा डे जनवरी है, तो मंथ का कोड क्या रखें जनवरी का जीरो है, प्लस यहाँ पे क्या है 20 डिवाइड बाई 7, तो इसको सॉल्व कीजिए 4 + 1 = 6, 26/7, तो 26/7 क्या होता है हमको रिमाइंडर 4 मिलेगा, क्योंकि 7 = 24 + 1 = 25, 7 = 7 = 21 + 1 रिमाइंडर 4 मिला, 4 मीन्स हमारा कौन सा डेट है, थर्सडे, ओके सबको पता है 4 मीन्स आपका थर्सडे, ओके वहाँ पे टेबल में आपको पता होगा, टेबल अगर लिखे होंगे वहाँ पे चेक कर लीजिए, 4 मीन्स आपका थर्सडे। बट यहाँ पे हमको चेक करना है, अभी छोड़ना नहीं, पहले देखेंगे लीप ईयर है या नहीं, 1900 पर हमारा पता चलता है लीप ईयर है, क्योंकि ये 4 से डिविजिबल हो जाता है, ये तो सेंचुरी ईयर नहीं है, सेंचुरी होता तो हम 400 से डिविजिबल करते, बट यहाँ ये आपका क्या है 1904 मीन्स अगर लास्ट टू डिजिट आपका 4 से डिविजिबल हो गया मीन्स डिविजिबल हो गया मीन्स अगर 4 से डिविजिबल हो गया तो लीप ईयर है। मैं आपको क्या बताया था, अगर लीप ईयर आपको पता चल गया जो रिमाइंडर आया उससे, यहाँ पे अगर यहाँ पे आपका जनवरी या फरवरी होगा, ओके ना कि अगर यहाँ पे मई होता अगस्त होता नहीं होता, अगर यहाँ पे सिर्फ आप जनवरी एंड अगर यहाँ पे एक बात और एक बता देता हूँ आपको कन्फ्यूज हो जाएगा, 20 था आपको 01 एंड आपको था 1904, मैं आपको क्या बताता पॉइंट, जब भी आपका यहाँ पे अगर जनवरी एंड फरवरी होगा, जनवरी एंड फरवरी तब जो रिमाइंडर आएगा तो रिमाइंडर में आपको -1 करेगा, अगर यहाँ पे होता 20 मई 1904, ओके तो कोई फर्क नहीं पड़ता रिमाइंडर में, जो अगर ये लीप ईयर भी होता तो रिमाइंडर में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे मई दिया है, आपको ए चेक करना है एंड ए दोनों चेक करना है, ओके आंसर निकालने के बाद आपको लीप ईयर मीन्स इसको लीप ईयर चेक करना है एंड यहाँ पे आपको जनवरी दिया है फरवरी मंथ पूछा है, अगर जनवरी या फरवरी मंथ पूछा होगा अगर ए वाला आपको लीप ईयर आ गया तो वहाँ पे -1 करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम क्या था 20 जनवरी 1904 पूछा था तो हमको हम रिमाइंडर कितना आया 6 आया सॉरी 4 आया था, तो 4 हमारा क्या था एक्चुअली थर्सडे था, बट हमको पता चला ए हमारा लीप ईयर है एंड यहाँ पे मुझे कोड दिया है जनवरी का सॉरी मंथ जनवरी का पूछा है, अगर फरवरी का 02 भी होता तो भी हम यहाँ पे -1 करते, तो 4 से हम -1 कर देंगे, कितना हुआ 3 हमारा कौन है वेडनेसडे, तो यही हमारा आंसर है, ओके और एक क्वेश्चन कर देते हैं उसके बाद सेशन क्रिएट कर देंगे, ओके 26 मार्च 1908, ओके कौन सा डे था, तो कैसे करेंगे लास्ट टू डिजिट लेंगे इसका 08 लिया 08 नहीं थे, तो उसके बाद 8 को 4 से डिवाइड करेंगे, ओके 804 के डिवाइड करेंगे तो टोटल 2 कट जाता है, उसके बाद मॉड मार्च, मार्च का कोड क्या है आपको बताया था मार्च का कोड 3 है, प्लस डे क्या है 26, इसको हम करेंगे 7 से डिवाइड, ओके तो कितना मिला, ये तो जाएगा 2 से जाएगा, इसको 2 10 13 26 39
मीन्स रिमाइंडर मिल जाए 4, उसके बाद हम चेक करेंगे लीप ईयर है या नहीं। 9108 क्या है आपका? लीप ईयर है। यस, एक लीप ईयर है। लीप ईयर मीन्स उसके बाद हम चेक करेंगे मंथ, मंथ क्या है, जनवरी है फेब्रुवरी है, कोई भी नहीं है मार्च है, तो कुछ भी माइनस वन नहीं करना है आपको, सिर्फ फोर है, फोर का मंथ आपको क्या है, सॉरी फोर्थ का डे आपका थर्सडे, थर्सडे इसका आंसर है। और एक क्वेश्चन करेंगे उसका सेशन को एंड करेंगे, क्योंकि थोड़ा भी आपको अभी भी डाउट होगा। 22 फरवरी 1916 कौन सा डेट था, इसको करेंगे लास्ट टू डिजिट 22 प्लस उसके बाद, सॉरी लास्ट डिजिट, सॉरी गलत कर दिया, सॉरी 16, लास्ट टू डिजिट क्या लेंगे ईयर का 16, उसका डेट 2000 करेंगे, उसके बाद सॉल्व कर देंगे, उसको बंद कर देंगे सेशन। 2000 में अभी तक नहीं किए ना, एक ये तो 1900 सीरीज है, उसके बाद 2000 सीरीज में जाएंगे, वहाँ पे भी समझना है क्योंकि वहाँ पे भी नोट में दे दिया 16 प्लस 16 बाई 4 क्या है 4 प्लस फेब्रुवरी का कोड क्या है 3 प्लस डेट क्या है 22, इसको करेंगे 7 से डिवाइड तो कितना होगा 23 22 मीन्स 45 बाई 7, तो रिमाइंडर क्या आया 3 आया। 3 हमारा एक्चुअली क्या है, वेडनेसडे है, बट यहाँ पे देखेंगे लीप ईयर है नहीं, ओके लीप ईयर है मीन्स ये पता चलता है 1960 मेरा लीप ईयर है, ओके। उसके बाद 2 क्या है मुझे, यहाँ पे मंथ चेक करेंगे जनवरी है फेब्रुवरी, देख पता चलता है मुझे फेब्रुवरी है, तो अगर फेब्रुवरी मिला लीप ईयर मिला तो यहाँ पे एक माइनस वन करना है, तो 2 मिला, 2 एक्चुअली हमारा क्या है ट्यूजडे, तो आंसर यहाँ इसका क्या है ट्यूजडे। आई थिंक इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट एक 2000 का लेंगे, 22 2000, ओके इसमें कौन सा डे है, कौन सा डे था, लास्ट टू डिजिट या थ्री डिजिट, मैं बोला था 2000 एबव आ जाएगा मीन्स हम थ्री डिजिट लेंगे, थ्री डिजिट क्या लेंगे मीन्स इसको सिर्फ एक कर देंगे, ओके तो यहाँ पे क्या होगा 100 प्लस उसी 100 को 4 से डिवाइड करेंगे, क्या होगा 25 प्लस फेब्रुवरी का कोड है 3 प्लस यहाँ पे 20 डिवाइड बाई 7, सेम प्रोसेस, तो क्या 125 128 को हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मुझे मिलेगा 1, ओके रिमाइंडर क्या मिला मुझे 1, आई थिंक हाँ रिमाइंडर मुझे 1 मिला। तो अभी ये चेक करेंगे, ये हमारा क्या है सेंचुरी ईयर, सेंचुरी ईयर मीन्स अगर 400 से डिविजुअल हो जाएगा तो लीप ईयर पता चल गया, तो ये पता चलता है 400 से डिविजुअल है मीन्स एक लीप ईयर है। मंथ क्या है आपका फेब्रुवरी है, जनवरी फेब्रुवरी आएगा तो माइनस वन करेंगे रिमाइंडर से, तो 1 मिला तो माइनस वन कर देंगे 0, 0 हमारा क्या है संडे, तो इस दिन आपका संडे था, ओके। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 22 अप्रैल 2010 कौन सा डे था, सेम चीज क्या करेंगे 2010 मीन्स 110 लेंगे, ओके उसके बाद प्लस 110 को 4 से डिवाइड करेंगे, 110 को 4 से डिवाइड करेंगे प्लस अप्रैल का कोड क्या बताया था, अगर याद रहेगा तो आपको सबको पता है अप्रैल का कोड आपका 6 रहता है, उसके बाद डे लिखेंगे 22, उसको हम 7 से डिवाइड करेंगे 22 डिवाइड बाई 7, ओके यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे 110 है यहाँ पे 110 4 से डिवाइड करेंगे, 110 को मैं 4 से डिवाइड करूँगा, मुझे क्या मिला 2 मिला मीन्स 27 से चल जा रहा है, मीन्स डिविजिबल नहीं है बट यहाँ पे क्वेश्चन आपका 27 मिला, जो यहाँ से जो भी आप डिवाइड करेंगे यहाँ पे सिर्फ आपको क्वेश्चन ही लिखना है, ना कि कोई डेसिमल कुछ भी नहीं, सिर्फ क्वेश्चन, क्वेश्चन जो आएगा उसको ही लिखना है, ओके डेसिमल फीस सिर्फ क्वेश्चन कितना आया, ओके रिमाइंडर छोड़ के क्वेश्चन कितना आया, 110 को 4 से डिवाइड करेंगे मुझे पता चला क्वेश्चन में 27 है, तो इसको कैसे करेंगे 110 प्लस 27, तो इसको इरेज करते हैं थोड़ा क्योंकि बोर्ड गंदा हो जाएगा, मैं आपको बता दिया जब भी ये जो 4 वाला डिविजिबल है यहाँ पे से आपको क्वेश्चन लिखना है, ओके 6 था, ओके यहाँ पे जो डिविजिबल बोला था यहाँ पे जो 4 डिविजिबल आएगा वहाँ पे जो रिजल्ट आएगा इसी यहाँ पे क्वेश्चन ही रहेगा, ओके आई थिंक समझ में आ गया, थोड़ा आपका डिफिकल्ट रहेगा। तो 110 पर क्वेश्चन कितना आया 27 प्लस 6 था कोड प्लस 22, इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 110 प्लस 27 आएगा 137, 137 प्लस 6 143 प्लस 22 कितना होता है 165, 165 को हम 7 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 7 2 = 14 25 4, तो रिमाइंडर आया हमारा 4, ओके 4 हमारा एक्चुअल क्या है थर्सडे,
उसके बाद हम देखेंगे लीप ईयर है या नहीं। 2010 मुझे पता चलता है लीप ईयर नहीं है, तो अगर लीप ईयर नहीं है तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर लीप ईयर होता तो इसको चेक करते जनवरी या फरवरी मंथ है। ओके, तो लीप ईयर यहाँ से पता चलता है मुझे लीप ईयर नहीं है। अगर लीप ईयर नहीं है तो चार का कोड क्या होगा? थर्सडे होगा। अगर लीप ईयर होगा यहाँ पर, अगर जनवरी फरवरी कुछ मंथ पूछा होगा, तो 4 से -1 कर देते 3। ओके, आई थिंक ये सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये सेशन अच्छा है तो थैंक्स, लाइक एंड शेयर। अगर ऐसा लगा तो कैलेंडर का पार्ट 2 हम जल्दी लाएंगे, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो।